पागल, इतनी सी बात पे इतना रोना? मैं तुमसे दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगी, उससे पहले मुझे अपने पास पाओ। अब तुम इससे अंदाजा कर लोगे वो अपनी मेहरू को कितना खुश रखेगा। लेकिन सईदा, हमें लड़के के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इन सब चीजों को देखते हुए। हेलो, कैसे हो बेटा? अरे तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? बहुत देर कर दी इन लोगों ने। ये लोग वक्त के पाबंद नहीं लगते। अबानिया, 7 बजे का कहा था। तो 7 अभी नहीं हुए? 7 हो गए। तो फिर क्यों नहीं आया अभी तक? आगे मैं देखता हूँ। सलाम, बहुत देर कर दी आप लोगों। वो दरअसल हकीम साहब, हम लोग कुछ अपने मेहमानों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन वक्त में उनका फोन आया कि वो नहीं आ सकते, बस इसीलिए लेट हो गए। आप आइए प्लीज। मारू, वो आमना से कहो उसे लेकर आए ना। जाओ। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड जाना, साडी लंबी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना, साडी लंबी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना। तेरे महलां दे रंग ले चो मेरी डोली लंगड़ी, तेरे महलां दे रंग ले बूए दे विचो मेरी डोली लंगड़ी, सानू तक जान दी वारी वे असा मुड़ नहीं आना, सानू तक जान दी वारी। तो फिर हकीम साहब, हमें इजाजत है अपनी बहू को अंगूठी पहना दे। जी बिस्मिल्लाह करें। तेरे महलां दे बुरज सुनहरे में छट चली चुप करके। अरे मासूमा, यहाँ आओ ना हमारे पास। मत रो बेटा, मत रो, मत रो मेरी बच्ची। अल्लाह ने तुझे उन गलीज लोगों से बचा लिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा। अम्मी, मुझे मासूमा पसंद है, मासूमा। और उन लोगों ने मेहरू को सामने लाकर बिठा दिया तो मैं क्या करता? जो कुछ तुम करके आ रहे हो ना, उससे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। साडा चिड़िया दा चंबा, ये कौन है? क्या कह रहे हो तुम?
ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर है? नहीं अम्मी, ये वो नहीं है। ये क्या कह रहा है लड़का? का दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे कहने पे ये रिश्ता हुआ है, क्या हो गया तुम्हें? अमीर, मैंने हकीम साहब की दूसरी बेटी के लिए कहा। उनकी दूसरी बेटी है मेहरू? भैया ये क्या मजाक है? आपको मेरी भी नहीं समझ आ रही कहना क्या चाह रहा है। क्यों मेरी बेइज्जती कराने पर तुले हुए? ये मेहरू है जिसके लिए तुमने मुझे भेजा था। मैंने मेहरू का नहीं, मासूमा के लिए कहा था। मैं मासूमा से शादी करना चाहता हूँ। देखें, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं मासूमा से शादी करना चाहता हूँ, मेहरू से नहीं। बस कर दो अपनी बकवास। अगर अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं काट के रख दूंगा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर में आकर हमें बेइज्जत करो? देखिए हकीम साहब, इसमें इज्जत और बेइज्जती वाली कोई बात ही नहीं है। मैं मासूमा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। और तुमने क्या समझा कि हम तुम्हारी ख्वाहिश के मोहताज हैं? तुम जैसे लड़कों के साथ तो मैं अपनी गली का कुत्ता ना मिलाऊं। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ वरना गाड़ के रख दूंगा। हकीम साहब, मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप करो। तुम पर मैंने एहसान किया और उसका यह सिला दिया? अब्दुल्ला, देख क्या रहे हो? निकालो इस बदनस्ल को यहां से, मेरे घर से निकालो। निकल जाओ। अगर दोबारा यहां आए मैं टांगे तोड़ दूंगा। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बकवास बंद करो सर, मुझे तुम्हारी एक लफ्ज़ नहीं सुनना। अम्मी एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुन सकती हैं। जलील तो करवा के रख दिया तुमने मुझे, अब और क्या चाहिए? पहले तुमने मुझे वहाँ पे भेजा और अब तुम खुद ही मुकर रहे हो। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने आपको मेहरू का नहीं मासूमा का कहा था, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था कि मुझे हकीम साहब की छोटी बेटी पसंद है, छोटी। गलती आपकी है। लड़का पहले भी आवारा था, आज भी आवारा है। तुम नौकरी मिल जाने से अच्छा कैसे हो गया? हमारी बेटी के साथ मजाक कर गए खबीस लोग। मेरी गलती है, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुमने मुझसे कहा हकीम साहब की छोटी बेटी तो वो मेहरू है, उससे बड़ी फरीजा है जिसकी शादी हो चुकी है, तो छोटी मेहरू हुई ना, और फिर उन्होंने उसी को मुझे दिखाया था। अम्मी एटलीस्ट आपको मुझसे कंफर्म करना चाहिए था कि लड़की कौन सी है। तुमसे पूछती हाल देखा है अपना? नाम तो ठीक था, तुम उसका जानते नहीं हो। क्या नाम है उस छोटी वाली का? मासूमा। हाँ वही। क्या जरूरत है उनको बड़ी को बैठा के छोटी की शादी करने की? बड़ी बेशर्मी से खड़े होके कह दिया मैं तो छोटी बहन से करूंगा शादी। नियत ही खराब थी उसकी, अच्छा हुआ जो पता चल गया। अरे ये तो वो मुबीना लोगों से भी गिरे हुए निकले। सारा खानदान क्यों तू करेगा मुझ पर?
आप तो खानदान वालों की बड़ी है और यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, कुछ तुम करके आ रहे हो ना, इससे तुम्हारी और मेरी इज्जत तो दांव पर लगी चुकी है। तुम्हें क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में? अम्मी प्लीज, कुछ नहीं सोचेंगे वो। और अगेन आपको खानदान वालों की बड़ी है और मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं आपकी नजर में। ये सब कुछ तुमने मुझसे पूछ कर नहीं किया है। अगर तुम्हें एतराज था तो घर आके मुझसे बात कर सकते थे। अच्छा, घर आकर क्या कहता? कि मंगनी कर आया हूं, जाकर तोड़ आए और दूसरी वाली का रिश्ता मांगे। मत रो बेटा, मत रो, मत रो मेरी बच्ची। अल्लाह ने तुझे उन गलीज लोगों से बचा लिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा। अम्मी मुझे मासूमा पसंद है, मासूमा। और उन लोगों ने मेहरू को सामने लाकर बिठा दिया तो मैं क्या करता? जो कुछ तुम करके आ रहे हो ना, उससे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। मैं प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं मासूमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अगर वो मुझे ना मिले तो मैं वाकई मर जाऊँ। बस बस, आज के बाद हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। भूल जाओ सब कुछ, ये नामुमकिन है। ना हम वहां जाएंगे, ना उनको यहाँ आने देंगे, कभी नहीं। बस खत्म हो गई बात। हाँ, मत मेरी बच्ची। पता नहीं किसकी नजर लग गई बेटा, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा क्यों हो गया ये सब कुछ। किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो शादी से पहले सब कुछ पता चल गया। जालिम लोग थे, मेरी बच्ची का फूल सा दिल तोड़ के चले गए। समझ में नहीं आ रहा मुझे। बस मेरे बच्चे, हाँ चल देख बेटा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है और जोड़े तो आसमानों में बनते हैं बेटा। अल्लाह ने जरूर तेरे लिए बहुत अच्छा जोड़ा बनाया होगा। बस मत रो मेरी बच्ची। आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तुम्हें बताते ताकि तुम फिर अपने उस देवर की हिमायत में आन पहुंचती। देखो, लड़का राजी होगा तभी तो वो लड़की को खुश रख पाएगा। कहना क्या चाह रही कि हम लड़के की मर्जी से अपनी लड़कियों को ब्याहेंगे? ये सब कुछ इस घर में। अरे मेरी मासूम बच्ची की खुशियों को खा गई तू। ये सब कुछ तेरा किया दर है, तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैंने क्या किया? तूने क्या किया बताओ तुझे? मैं तूने क्या किया? अरे खाला के घर जाके जो तूने जर से आंख भटका किया ना, मैं सब जानती हूँ अच्छी तरह से। सब कुछ तेरा किया दर है ये। अम्मा, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल मेरे सामने, मत झूठ बोल तू। अरे तेरी बेहयाई को हमारे मुंह में मार के चला गया वो लड़का। ये मैंने कुछ नहीं किया। मेरा दिल करता है मैं तुझे जिंदा मार दूं, दफन कर दूं जमीन में तुझे। अरे मैं क्यों बाहर जाके ढूंढूं अपने दुश्मन को? घर में चोर मौजूद है मेरे,
मेरे घर में मौजूद है। अरे मेरी मासूम सी बच्ची की खुशियों में आ गई। तूने किया सब कुछ, दबाओ तो यहां से। अम्मा आप इसको क्यों इल्जाम दे रही हैं? इसका क्या कसूर है? इसका ये कसूर है, तुम्हें नहीं पता क्या कसूर है इसका? मैं बताती हूँ, इसके लिए भेजा ना उसने रिश्ता, तो इसे क्या किया जा रहा है सब कुछ? प्लीज अम्मा आप तो ऐसा ना कहें, जर्क ने इसके नाम पर रिश्ता भेजा था, और आप ये ना भूलिए आपके घर में दो बेटियां हैं, अगर मेहरू का रिश्ता आ सकता है तो इसका भी आ सकता है। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है, चुप कर जा तू, और तू बिना वजह इसकी हमदर्दी मत कर, ये सब कुछ इसी का किया जा रहा है। इसने कुछ नहीं किया, और वैसे भी आप लोग तो किस्मत और नसीब को मानते हैं ना, तो इस बात को भी उसी खाते में डाल दें आप। चल मेरू चल बेटा, हकीम साहब बुला रहे आज मेरे। बैठो, तुमसे बात करनी है। चुप कर बच्चा, चुप कर जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, अब सुना भाई मेरा यकीन करे, मैं बेकसूर हूँ। मैं सब जानता हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो कुछ जर्क ने किया है और जो मेहरू की मंगनी टूटी है, आई नो इसमें तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, तो मुझे एक बात सच सच बताओ, उस रात को तुम छत पर क्यों रो रही थी? तुम मेहरू का रिश्ता होने से खुश क्यों नहीं थी? मुझे सच सुनना, मैं तुम्हारा सिर्फ बड़ा भाई नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। खाला के घर उस दिन तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? क्या तुम उसे पसंद करती हो? हरगिज़ नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस उसने मुझे खाला के घर देख लिया, और दूध पिलाई की रस्म के बाद वही थोड़ी सी बात हो गई। मुझे क्या पता था कि वो इस हद तक पहुंच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई, सबको गलत फहमी हुई। अच्छा चलो तुम चुप करो, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले। मतलब कि इतनी बड़ी बात, आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तुम्हें बताते ताकि तुम फिर अपने उस देवर की हिमायत में आन पहुंचती। तुमने कभी सगी बहन का हक अदा किया है जो तुम्हें बताते? तुम तो बस आती हो तो यही तकरार लेकर बैठ जाती हो कि असद से कर दो मेहरू की शादी, ताकि उस घर में तुम्हारी साख बनी रहे। सिर्फ अपनी फिक्र है तुम्हें, सिर्फ अपनी। और अगर तुम्हें बताते तो तुमने कौन सा आकर हालात बदल देने थे? खुश थोड़ी देख सकते हैं वो हमें, दुश्मन। हाँ दुश्मन है वो, पर आपने खुद उन दुश्मनों में मेरी शादी की है, और ठीक है जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है ना, आपको पता है आपकी इस बेरुखी की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है उस घर में। हाँ, बेइज्जती। मैं आपकी बेटी और इस हकीकत को आप कभी नहीं झुटला सकते। चाह रही हूँ मैं। अरे सुनो हरी सर, रुक जाओ, चाह रुकू मैं अम्मी, सुनने को रह क्या गया बाकी? इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे आपने, हम पे जो बीत रही है ना उसी का गुबार निकाला है तुम्हारे अब्बा ने तुम पर। क्या हुआ है? क्या होना था, बस मेरे मेहरू के नसीब बना नहीं, क्या लिखा इसकी किस्मत में? अरे मैं कब इस बार से मुकदोश होंगी, वही रहम करने वाला है अब तो। कैसी बातें कर रही हैं, मंगनी तो हो गई ना, तो फिर क्यों? कहाँ की मंगनी, कौन सी मंगनी, टूट गई मंगनी। टूट गई मंगनी, मैं कैसे? लड़के ने मना कर दिया, अरे वो कह रहा है कि उससे मेरू से नहीं मासूमा से।
शादी करनी है और ये रिश्ता सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ था। अच्छा अच्छा नहीं रोए, प्लीज मत रोए। तहमल रखे, सब्र करे। कैसे वो लोग ऐसे कैसे कर सकते अम्मी? कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझे कुछ नहीं पता है। हम लोग तो यही कहेंगे ना कि मेरी आप ऐसा नहीं सोच सकती हैं। इंशाल्लाह मेहरू की किस्मत में जो भी होगा अच्छा होगा। आप सब्र करें। माफी, कैसी बातें कर रही हो? अरे इतनी बेइज्जती हो गई हमारी, बस अब तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं रही। आमना, तैयबा बहुत शर्मिंदा है और इसीलिए तो उसने आज मुझे यहाँ भेजा है। उनके शर्मिंदा होने से हमारी बेइज्जती का अजाला हो जाएगा? नहीं ना। और एक बात बताओ मुझे, मैं चल के गई थी कि आओ आके मेरी बेटी का रिश्ता लो, अरे खुद आई थी, मिन्नतें की थी मेरी। और तो और, वो कल के बच्चे से उन्होंने अच्छी इज्जत अफजाई कराई है हमारी। बस मैंने कह दिया, अब कोई माफी नहीं। देखो आमना, तैयबा की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। उन्होंने छोटी बेटी मतलब मासूमा के रिश्ते के लिए कहा और मैं महरू समझ बैठी, तो गलती तो मेरी हुई ना। और शादी कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। देखो लड़का राजी होगा तभी तो वो लड़की को खुश रख पाएगा। कहना क्या चाह रही कि हम लड़के की मर्जी से अपनी लड़कियों को ब्याहेंगे? वो आएंगे यहाँ पर किसी और लड़की के लिए और रिश्ता मांगेंगे दूसरी का? वाह भाई वाह, बेशर्मी की हद है। देखो मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ कि लड़के ने मासूमा का रिश्ता भेजा था, वो उससे शादी करना चाहता है। और तैयबा ने आज फिर मुझे मासूमा के रिश्ते के लिए भेजा है। भाई सर उसे बहुत पसंद करता है। और मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ की अकलमंदी है कि एक के आश्रय में तुम दूसरे को भी बिठा कर रखो? अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं आजकल। छोटी सी गलती हो गई है, माफ कर दो उसे। एक को ना सही दूसरे से कर दो। देखो धंधा तो इसमें तुम्हारा ही है ना, रिश्ता तुम्हारे ही घर तो आ रहा है। अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं आजकल। मगर तुम जानती हो ना कि हम पहले मेहरू की शादी करेंगे और बस। लो और सुन लो भाई, मासूमा का नसीब उसके साथ है, मेहरू का उसके साथ है, जब जिसकी होनी होगी हो जाएगी। देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बड़ी को बिठा के छोटी का रिश्ता करना आसान काम नहीं है, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होना तो कोई भी लड़की ना ब्याही जाए। और भाई मैं तो तुम लोगों के भले की बात करती हूँ, तुम्हारी औलाद को मैंने अपनी औलाद समझ के पाला है। लड़कियों की कोई कमी नहीं है, आगे तुम लोगों की मर्जी है, समझाना मेरा काम है। बस क्या बताऊं मौलवी, अब तो घर में गुजारे के लिए भी पैसा नहीं बचा, पता नहीं क्या हो। ऐसा क्यों कहते हो भाई, उम्मीद तो अच्छे की रखो। तुम खुद देख लो, सुबह से बैठा हूं, एक मरीज नहीं आया। लगता है लोगों के सारे मर्ज खत्म हो गए और हमारे शुरू। मैं कब तक अपनी मजेदारी कायम रख सकूंगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ वली, कैसे आना हुआ? सेठी साहब ने भेजा है, इन कागजात पे आपके दस्तखत चाहिए। लेकिन इस महीने की तो सेठी साहब ने मोहलत दी थी, फिर इतनी जल्दी क्यों? और मुझे एक बात बताएं, अरे बड़ी के बैठे हुए क्या छोटी की शादी नहीं हो सकती? अगर ऐसा है तो फिर आपने मुझसे क्यों शादी कर ली थी? मेरी भी तो बड़ी बहन घर में बैठी थी। तुम क्या चाहती कि मैं जाकर उनके पांव पड़ूं?
क्या कि मेरे घर पर मुझे बेइज्जत करे। हकीम साहब, मुझे कबीर के लिए आपके घर से रिश्ता चाहिए। ETV, सारे रंग हमारे।